हेलो दोस्तों, तो आज क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं डीएनए वैक्सीन के ऊपर। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप आज की क्लास को थोड़ा भी स्किप ना करें और अच्छे से पूरे क्लास को अटेंड करें, क्योंकि ये जो आज के क्लास का टॉपिक है डीएनए वैक्सीन, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अगर आपका एग्जाम रिटन बेस या फिर ऑब्जेक्टिव बेस किसी पर बेस पर भी आपका अगर क्वेश्चन एग्जाम होता है, तो उसमें डीएनए वैक्सीन से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इसीलिए आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। तो सबसे पहले हम ये जो डीएनए वैक्सीन है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये डीएनए वैक्सीन क्या है, इसको कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके फिगर के थ्रू हम इसको समझेंगे और इनमें इसका यूज कहाँ पर होता है इसको भी हम जानेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि डीएनए वैक्सीन होती क्या है। तो यहाँ पर एकदम सिंपल वे में और एकदम आसान शब्दों में समझिए कि जो डीएनए वैक्सीन होता है वह डीएनए का एक सीक्वेंस ही होता है, जिसे हम डीएनए वैक्सीन के रूप में यूज करते हैं। और ये डीएनए वैक्सीन का फॉर्मेशन कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, इसको भी हम समझेंगे। तो अभी हमने बताया कि डीएनए जो वैक्सीन होता है ये एक डीएनए सीक्वेंस होता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पहले ही पॉइंट में विजिबल हो रहा होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। दिस डीएनए सीक्वेंस कोड फॉर एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन। और यही जो डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि यूज हो रहा है, एक जो डीएनए सीक्वेंस यूज हो रहा है डीएनए वैक्सीन की तरह, वही डीएनए सीक्वेंस कोड करता है पैथोजन के एंटीजेनिक प्रोटीन को। ये कब करता है, कैसे करता है, अब अगले पॉइंट में आप देखिए। जब इसी डीएनए सीक्वेंस को ही इंसर्ट किया जाता है सेल में, एज दिस डीएनए इंसर्टेड इनटू सेल में इट इज ट्रांसलेटेड टू फॉर्म एंटीजेनिक प्रोटीन, एज दिस प्रोटीन इज फॉरेंसिक टू सेल, सो इम्यून रिस्पॉन्स रेस्ट अगेंस्ट दिस प्रोटीन। तो यहाँ पर आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इन सभी पॉइंटों के थ्रू आपको क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो डीएनए वैक्सीन होता है ये डीएनए का ही एक सीक्वेंस होता है, जो कि सेल में इंसर्ट करने के बाद ये जो पैथोजन होते हैं उनके एंटीजेनिक प्रोटीन को कोड करता है और ढेर सारे फॉरेंसिक डीएनए का फॉर्मेशन कर देता है, और जिसके थ्रू जो सेल होती है उसको प्रोवाइड करता है ह्यूमिनिटी प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट ह्यूमिनिटी को प्रोवाइड करता है यही डीएनए वैक्सीन, जो कि एक डीएनए का सीक्वेंस होता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की ओर, कि इन 2016 अ ह्यूमन ट्रायल फॉर डीएनए वैक्सीन ऑफ द फॉर द जिंका वायरस। जिंका वायरस के लिए 2016 में ह्यूमन ट्रायल किया गया था डीएनए वैक्सीन का जिंका वायरस के ऊपर। तो ये भी जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पुटअप किए जा सकते हैं। तो आइए अब हम डीएनए वैक्सीन जो अभी आपने देखा कुछ पॉइंट के थ्रू, उसके मेथड को समझा, तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जो डीएनए वैक्सीन जो अभी हमने आपको बताया कि ये एक डीएनए का सीक्वेंस होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम फिगर के थ्रू समझे तो और भी पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हाउ टू डीएनए वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड। ये जो डीएनए वैक्सीन होती है, इस डीएनए वैक्सीन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इस फिगर में आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन पुटअप की होता है, तो आपको वहाँ पर ये जो फिगर हम आपके स्क्रीन पर विजिबल कर रहे हैं, ये आपको वहाँ पर मेंशन करके आना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आप इस फिगर को बहुत अच्छे से और ध्यानपूर्वक समझिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक देखिए वायरल जीन है, और यहाँ पर एक प्लाज्मिड है, और यही प्लाज्मिड ये एक साधारण प्लाज्मिड नहीं है, क्योंकि इस प्लाज्मिड का वर्क है कि ये जो वायरल जीन है इस वायरल जीन को एक्सप्रेस करना, इसीलिए ये एक साधारण प्लाज्मिड नहीं है। तो अब क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इन सभी टॉपिक पर हमने एक डिटेल से वीडियो बना चुके हैं और आपके पास प्रोवाइड भी करा चुका हूँ। अगर जो स्टूडेंट अभी तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को क्लास को जल्द से जल्द अटेंड करें। तो यहाँ पर देखिए कि अभी हमने बताया कि वायरल जीन है,
और जस्ट यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन करने के लिए प्लाज्मिड का यूज किया गया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इसे एक दूसरे में बाइंड करवा दिया गया। अब इसी प्लाज्मिड विद फॉरेंसिक जीन, अब ये जो प्लाज्मिड है वह वायरल जीन या फिर फॉरेंसिक जीन के साथ हो गया। अब ये क्या किया गया कि बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट किया गया, और ये बैक्टीरियल सेल क्या जो ये प्लाज्मिड है जो कि फॉरेंसिक जीन है उसे बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करा दिया गया, जिसके कारण प्लाज्मिड डीएनए गेट एम्प्लीफाइड, जो प्लाज्मिड डीएनए हुए एम्प्लीफाइड हो गए और ढेर सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से हमें प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट फिगर में देखिए कि ये जो प्लाज्मिड डीएनए प्यूरिफाइड, और यहाँ से ये जो प्लाज्मिड है जो कि फॉरेंसिक जीन के साथ है ये रेडी हो गया यूज के लिए। किसके यूज के लिए? डीएनए वैक्सीन के यूज के लिए। अब इसका यूज कैसे होता है इसके प्रोसेस को भी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन आप इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से समझिए। तो अभी हमने बताया कि वायरल जीन, इसको हम प्लाज्मिड के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इसे हम एक दूसरे में इंसर्ट करवा देते हैं, फिर उसके बाद इंसर्ट करवाते हैं बैक्टीरियल जीन में, जिसके वजह से ये जो ढेर सारे प्लाज्मिड डीएनए का एम्प्लीफाइड होता है और यहाँ से हमें ढेर सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, और फिर यही प्लाज्मिड जो कि डीएनए वायरल जीन के साथ हैं ये रेडी हो जाते हैं डीएनए वैक्सीन के यूज के लिए। डीएनए वैक्सीन क्या है? अभी हमने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया कि डीएनए वैक्सीन एक डीएनए का सीक्वेंस ही होता है। तो आई होप कि ये जो डीएनए वैक्सीन है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है इस सभी बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये बहुत ही आसान शब्दों में है आपने हमने आपको बताया। तो आइए अब हम चलते हैं इसके यूज की ओर, कैसे इसका यूज होता है, जो डीएनए वैक्सीन होता है ये कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसका यूज कहाँ कहाँ पर है, कैसे इसको ह्यूमन सेल में इंसर्ट करवाया जाता है, इन सभी बातों पर हम अब चलते हैं अगले स्लाइड में जानेंगे। तो मेथड ऑफ डीएनए वैक्सीन, तो इसमें दो मेथड होते हैं, दो क्या मेथड, और सारे मेथड हो सकते हैं लेकिन दो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिरिंज मेथड और जीन गन डिलीवरी मेथड। तो यहाँ पर जीन गन डिलीवरी मेथड और सिरिंज मेथड, यही दो मेथड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के थ्रू डीएनए वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी सेल में। तो यहाँ पर अब देखिए जो हाउ टू वर्क डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन बॉडी में कैसे वर्क करते हैं, तो ये दो प्रकार से वर्क करते हैं, एक इंडोजीनियस होते हैं, एक डीएनए वैक्सीन, दो टाइप दो प्रकार से ह्यूमन सेल में ये वर्क करते हैं, इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। तो इंडोजीनियस के अर्थ से ही आप समझ रहे होंगे कि ये जो इंडोजीनियस डीएनए वैक्सीन, जब इंडोजीनियस वर्क कैसे करेगा, जब सेल के अंदर ही सारे प्रोसेस होंगे तो उसे हम इंडोजीनियस डीएनए वैक्सीन बोलेंगे, लेकिन जब डीएनए वैक्सीन का वर्क सेल के पूरी तरीके से बाहर होगा तब हम उसे एक्सोजीनियस बोलेंगे। तो इंडोजीनियस में क्या होगा कि जो ये डीएनए वैक्सीन है जो कि हम जीन गन डिलीवर या फिर सीरीज मेथड के थ्रू बॉडी में बॉडी सेल में इंजेक्ट करवाए हैं, तो यही क्या करेगा कि इंडोजीनियस मेथड में टी हेल्पर सेल जब एंटीजेनिक प्रोटीन से जब बाइंड करेगा, इंडोजीनियस मेथड में सेल के अंदर जब टी हेल्पर सेल एंटीजेनिक प्रोटीन से जब बाइंड करेगा तो वहां पर ढेर सारे कॉपी का फॉर्मेशन होगा, जिसके थ्रू सेल को एक इम्यून सिस्टम अगेंस्ट पैथोजन के वहां पर प्राप्त होगा। और एक्सोजीनियस में क्या होगा कि ये जो एंटीजेनिक प्रोटीन है ये पूरे प्रोसेस सेल के बाहर हो गए। तो एक्सोजीनियस इंडोजीनियस इन दोनों वर्ड से ही आपको इन सभी बातों के समझ में आ रहा होगा। तो आई होप कि आप एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस दोनों मेथड को समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा कि जो डीएनए वैक्सीन का वर्क है वह सेल के अंदर होगा और जो एक्सोजीनियस है ये सेल के बाहर होगा डीएनए वैक्सीन का वर्क पैथोजन के अगेंस्ट ढेर सारे एंटीजेनिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, जिसके थ्रू बॉडी सेल को ह्यूमन सिस्टम प्राप्त होते हैं, या फिर आप ह्यूमिनिटी प्राप्त होते हैं, किसी भी वर्ड में आप इसको समझ सकते हैं। तो आई होप कि आप डीएनए वैक्सीन जो आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक और नया क्लास को अटेंड कराऊंगा और आपके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो ये जो हमने अभी एक बार फिर से आपको बताऊं कि ये जो डीएनए वैक्सीन के प्रिपेयर
कि ये जो डीएनए वैक्सीन है कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि ये जो डीएनए वैक्सीन का प्रिपेयर कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम टाइम पुटअप हो सकते हैं। तो इसको बार बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्लास को रिपीट करके देखिए कि ये कैसे प्रिपेयर हो रहा होता है डीएनए वैक्सीन। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नया क्लास में कुछ और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।